थैलोफाइटा है, फिर ब्रायोफाइटा है, और अब हमारे पास यहाँ पर हम टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं। तो काफी सारी बातें हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिवीजन में से एक है हमारे पास यहाँ पर दोस्तों टेरिडोफाइटा। तो अगर हम टेरिडोफाइटा के बारे में बात करते हैं, तो ये सबसे पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, दीज आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनके अंदर यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थे, यानी कि जाइलम और स्पाइन प्रेजेंट। तो सबसे पहले प्लांट है जिनके अंदर क्या है, जाइलम है और स्पाइन होते हैं। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर देखते हैं यही प्लांट ऐसे थे जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड, द बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, यानी कि मैच्योर हो गई थी। किस चीज के अंदर बच्चों, यहाँ पर डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीफ, रूट में स्टेम में और लीफ में। तो इनके अंदर रूट लाइक लीफ लाइक स्टेम लाइक नहीं, इनके अंदर रूट स्टेम लीफ्स प्रेजेंट यहाँ पर, जो हमारे पास टेरिडोफाइटा प्रेजेंट है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर स्पोरोफाइट, इन्हीं तीन टर्म्स से, इन्हीं तीन लाइनों से एक क्वेश्चन बन जाता है भैया एकेडमिक के अंदर भी, नीट के अंदर। तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक है, स्पोरोफाइटिक मतलब कि टूवन है, पक्की बात है। इनके अंदर डिफ्यूजन होता होगा यहाँ पर मियोसिस, और मियोसिस के कारण फॉर्मेशन होती होगी स्पोर्ट्स की, और वो स्पोर्ट्स बाद में जर्मिनेट हो जाती है मेरे पास गैमेटोफाइटिक बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से इनके अंदर यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है। अब मैं बोल रहा हूँ इनके अंदर रूट्स भी है, इनके अंदर स्टेम भी है, इनके अंदर यहाँ पर लीव्स भी प्रेजेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इन प्लांट्स के अंदर जो लीव्स पाई जाती है वे स्मॉल होती है, माइक्रो, ये देखिए ये तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हो गई, लीव्स इनके ऊपर हो गए, ये देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जो लीव्स है काफी स्मॉल लीव्स होती है, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर माइक्रोफिल, दीज आर द माइक्रोफिल माइक्रोफिल लीव्स, यानी कि जो यहाँ पर स्मॉल लीव्स प्रेजेंट होती है। एग्जांपल है यहाँ पर सिलेजिनिला, सिलेजिनिला। उसके बाद हमारे पास हम देखते हैं किसी किसी के अंदर बड़ी लीव्स ही पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं फिर यहाँ पर मैक्रोफिल, जिनको यहाँ पर बोला जाता है मैक्रोफिल्स बोला जाता है। तो दीज आर द मैक्रोफिल लीव, एग्जांपल इन फर्न, जो फर्न प्लांट होते हैं टेरिडोफाइट्स के अंदर काउंट होते हैं, उनके अंदर हम देखते हैं बड़ी लीव्स पाई जाती है। चलिए, अब जैसा कि मैंने बताया कि आपको ये हमारे पास प्लांट होते हैं जो टेरिडोफाइट्स है, जिनके अंदर जाइलम स्पाइन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट, बॉडी डिफरेंशिएट है रूट में स्टेम में लीव से, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है, स्मॉल लीव्स लार्ज लीव्स इनके अंदर पाई जाती है। अब जैसा कि मैंने बताया अगर स्पोरोफाइट है तो यानी कि पक्की बात है इनके अंदर स्पोर्स ही बनते होंगे, और ये स्पोर्ट्स की फॉर्मेशन किसी ना किसी कंटेनर में होती है। तो बेसिकली वो कंटेनर का नाम है हमारे पास स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया के अंदर बेसिकली स्पोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पोरेंजिया हैविंग स्पोर्ट्स एंड आर सबस्टेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस, और वो सबस्टेंडेड होते हैं यानी कि एक तरीके से इम्बेडेड होते हैं, घुसे हुए होते हैं, फंसे होते हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स में, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर स्पोरोफिल्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए ये मेरे पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगी बेटा, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जिनको मैंने बोला स्पोरोफिल्स। जैसे देखो माइक्रोफिल मैक्रोफिल है, तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल, अब ये स्पोर की स्पोरेंजिया की लीफ है तो स्पोरोफिल, ठीक।
और इन्हीं के अंदर मैं देख रहा हूं कि यहां पर मेरे पास ये कंटेनर है जिसको मैंने बोला है स्पोरेंजिया, जिसको मैंने यहां पर क्या बोला बच्चों, स्पोरेंजिया बोला। और मैं आपको बता दूं कि इसी स्पोरेंजिया के अंदर अब यहां पर ये देख, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसी स्पोरेंजिया के अंदर मैं देख रहा हूं कि अब यहां पर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये जो हमारे पास लीफ स्ट्रक्चर से स्पोरोफिल्स होती है, ये इस तरीके से अरेंज होती है, टू कोन स्ट्रोबिलाई और कोन, मतलब कि ये देख इस तरीके से कुछ कुछ अरेंज, ठीक है, इस तरीके से अरेंज है। और इनके अंदर यहाँ पर हमारे पास ये स्पोरेंज, तो यहां पर मैं देख रहा हूँ कि एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, ठीक है। This structure is termed as strobili or cone. अब अगर मेरे पास यहां पर, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर ये male cone है, तो मैं यहां पर देखता हूं कि ये स्ट्रोबिलाई जो है कौन है, अगर इसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, अगर वो मेल स्पोर है तो ये मेरा मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कौन कहलाता है, ठीक है। और यहां पर इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसका एग्जांपल है लाइकोपोडियम ऑब्स्ट्रम, एग्जाम्पल है ये लाइकोपोडियम Okay. तो उसके अंदर हमारे को इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर फिजिकल। अब मैं बता दूं कि यही जो स्पोरेंजिया, इसी को हम जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, इस स्पोरेंजिया को हम लोग यहाँ पर ये जूम करके बाहर निकाल लेते हैं, दिस इज द स्पोरेंजिया। और ये जो स्पोरेंजिया है इसी के अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल, हियर इज द प्रेजेंस ऑफ स्पोर मदर सेल, यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। और ये जो स्पोर मदर सेल है इसकी फ्लोइडी यहां पर क्या बेटा, फ्लोइडी यहां पर 2n है, इसके अंदर डिवीजन होगा यहां पर मियोसिस, और मियोसिस के कारण अब ये जो कंटेनर है स्पोरेंजिया, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है बहुत सारे स्पोर्स की, इसके अंदर फॉर्मेशन हो जाती है बहुत सारे स्पोर्स की। तो ये जो लाल लाल डॉट्स दिख रहे हैं आप लोगों को, ये क्या है, ये स्पोर्स जिनकी प्लॉयडी यहां पर अब क्या है, एन है, जिनकी प्लॉयडी यहां पर क्या है बच्चों, जिनकी प्लॉयडी यहां पर हमारे पास एन, ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब यही जो स्पोर्ट्स है जर्मिनेट हो जाएंगे किसके अंदर, ये स्पोर्ट जर्मिनेट हो जाएंगे हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर के अंदर, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर हमारे पास जिसकी प्लॉयडी एन है, ठीक है ना भाई, जिसकी प्लॉयडी यहाँ पर क्या है हमारे पास बच्चों, एन। तो गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर, और इसी हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर को भी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं प्रोथैलम। गैमेटोफाइटिक बॉडी तो आ गई है तो कंफर्म है, बट इसको मैं यहाँ पर बोलूंगा, देखो ये बोल दिया मैंने गैमेटोफाइटिक, लेकिन ये गैमेटोफाइटिक बॉडी मेरे पास क्या कहलाती है, मेरी प्रोथैलस कहलाती है। अब इसको प्रोथैलस क्यों बोला गया, क्योंकि जो पहले वाले अपने प्लांट थे उनके अंदर थैलस लाइक बॉडी थी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, उनके अंदर कैसी स्ट्रक्चर थी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर थी हमारे, ठीक है। और ये जो थैलस होते हैं
अब इनके बाद वाली फॉर्म है प्रोथेलस, ये डिफरेंशिएटेड है भैया। तो हमने इनको यहां पर क्या बोला, प्रोथेलस बोल दिया। ये गैमेटोफाइटिक बॉडी हमारे पास कैसी है, हैप्लोइड है, विच इज फ्री लिविंग स्मॉल मल्टी सेलुलर एंड फोटोसिंथेटिक। गॉट इट, ये इसके अंदर खास बात है। ये हमारे पास कैसी है गैमेटोफाइटिक, जिसकी प्लॉइडियन है। तो एक तो ये हो गई हमारे पास हैप्लोइड, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर हैप्लोइड है, मल्टी सेलुलर है, ओहो, और फोटोसिंथेटिक। और जैसे हमारे पास ये फोटोसिंथेटिक होती है, ठीक है जी। चलिए ये बात आ गई यहाँ पर। सो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि डिप्लॉइड से हैप्लोइड में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द एडप्टेशन ऑफ जनरेशन। अब जब ये स्ट्रक्चर आ गई, गैमेटोफाइटिक बॉडी मेरे पास बन गई, जब ये हमारे पास प्रोथेलस आ गई, तो मैं बता दूं आपको कि इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंथीडिया एंड आर्चीबोन, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर गैमेटोफाइटिक बॉडी आ गई, दिस इज द गैमेटोफाइटिक बॉडी, ये इसके ऊपर लीव्स भी प्रेजेंट है मेरे पास, लेकिन इसी के ऊपर हम देखते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है एंथीडिया एंड आर्चीगोनिया, ठीक है जी। यहाँ पर मेरे पास है जी एंथीडिया, ये देखिए ये एंथीडिया है, एंथीडिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ आर्चीगोनिया। एंथीडिया के अंदर फॉर्मेशन होती है एंथ्रेजॉइड्स की, और आर्चीगोनिया के अंदर फॉर्मेशन होती है की बाद में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा और देन फॉर्मेशन होते हैं किस चीज की, जाइगोट, जाइगोट डेवलप हो जाता है इनको मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टैडोफाइट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जो स्पोर्ट्स प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये स्पोर्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं तो मोस्ट ऑफ द के अंदर, मोस्ट ऑफ, ठीक है, most of spores are homosporous, homosporous मतलब कि same type के, आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से हमारे पास मेल स्पोर है, कौन से फीमेल स्पोर है, कौन सा मेल गैमेट है, कौन सा फीमेल गैमेट है। जैसा कि अब देखिए स्पर्म है और एग है, ह्यूमंस के बारे में तो डिफ्रेंशिएटेड है, लेकिन कुछ गैमेट्स हमारे पास सेम स्ट्रक्चर के होते हैं, सेम शेप के होते हैं। किसी से यहाँ पर हम देखते हैं कि होमोस्पोरस हमारे पास स्पोर्ट टाइप है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल जरूर है, मोस्ट ऑफ द तो इसी पाए जाएंगे, लेकिन कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि सिलेजिनेला है, सेल्बिनिया है, रेड पेन से लिख रहा हूं, सिलेजिनेला और सेल्बिनिया, इनके अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि फिर भी क्या है बच्चों, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स पाए जाते हैं। एक बड़ा स्कोर होता है जो मैक्रो बोला जाता है और एक छोटा स्कोर होता है जो माइक्रो बोला जाता है, सिर्फ इन दोनों, इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मेरे हेट्रो स्पोर्स होते हैं। हेट्रो मतलब कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के होते, ठीक है, जिनको हेट्रो स्पोर्स बोला जाता है। चलिए अब एक चीज और है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दो तरीके के स्कोर है, एक तो है माइक्रो और एक है मेगा स्पोर्ट्स, एक होते हैं माइक्रो स्पोर्ट्स, एक होते हैं मेगा स्पोर्ट्स। यहाँ पर मैं मैक्रो और माइक्रो की बात नहीं कर रहा, बेसिकली जो मेल हमारे पास स्पोर्ट्स होते हैं उनको हम माइक्रो स्पोर्ट बोलते हैं और जो फीमेल स्पोर होते हैं उनको हम यहाँ पर मेगा स्पोर बोलते हैं। तो यानी कि अगर ये वाले स्पोर मेरे पास मेगा स्पोर है, समझ रहे हैं, तो यानी स्पोर्ट्स कहलाते हैं मेगा स्पोर्ट्स, और जो इनका कंटेनर है जिसको स्पोरेंजिया बोला, ये कहलाता है मेगा स्पोरेंजिया, और ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दीज आर कॉल्ड द मेगा स्पोर होते हैं, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फीमेल कोनिया, फीमेल स्ट्रोबिलाई कहलाता है ऑन दैट टाइम। बट इट अगर यहाँ पर मेरे पास माइक्रो स्पोर है, मेल स्पोर है,
तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स माइक्रोस्पोरोफिल्स और ये मेल स्ट्रोबिलाई या मेल कोन कहलाएगा हमारे पास। चलिए फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में अगर बात करते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास फीमेल गैमेटोफाइट एक बॉडी है, ठीक है। अगर फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी इन प्लांट्स में तो रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड, तो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर वेरिएबल पीरियड तक ये रहती है। जैसे हमने ब्रायोफाइट से पढ़ा था तो वहां पर गैमेटोफाइटा बॉडी के ऊपर स्पोरोफाइटिक बॉडी अटैच थी, यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पोरोफाइट जो पेरेंट बॉडी है उसके ऊपर फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी अटैच होती है फॉर वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। तो डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही होता है, एंड दिस इवेंट इज अ प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट, ठीक है, उससे बनने की पहले की प्रोसेस को, सीड हैबिट से बनने की पहले की प्रोसेस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बच्चों इवोल्यूशन के अंदर। और टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करें तो टेरिडोफाइट्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर चार कैटेगरी के अंदर। तो टेरिडोफाइट्स है हमारे पास यहाँ पर चार तरीके के होते हैं, जिसमें है हमारे पास साइलोक्सीडा जिसको साइलोटम भी बोलते हैं, स्फेनोक्सीडा है जिसको आपको बोला था लाइकोक्सीडा सिलेजिनेला, और टेरोक्सीडा टेरिस। अकेडमिक में इन चारों का सिर्फ नाम याद रखना है, और अगर हम नीट के बारे में बात करें तो हमें सिर्फ इन चारों की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए और कुछ नहीं। तो जो स्पार्क क्लास होगी मैं आपको इन चारों की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारे पास यहाँ पर टेरिडोफाइट्स पे तो इतनी बात है कि टेरिडोफाइट्स हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर टर्म टेरिडोफाइट के बारे में बात करते हैं तो ये जो टर्म है प्रपोज्ड बाय हैकल, ये जो टर्म थी यहाँ पर हैकल ने प्रपोज करी थी। और टेरिडोफाइट्स ऐसे प्लांट है जिसको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, दीज आर द रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। अब देखिए सबसे पहले टेरिडोफाइट्स प्लांट्स थे जिनके अंदर बेसिकली हमने यहाँ पर क्या देखा कि रूट्स डेवलप हुई, ये रूट्स डेवलप हुई है सबसे पहले टेरिडोफाइट्स के अंदर। सबसे पहले तो रूट थी नहीं, आपके रूट लाइक थी। तो ये जो रूट्स होती है बेसिकली सॉइल को क्या करती है, बाइंड करके रखती है। तो रूट फर्स्ट टाइम टेरिडोफाइट्स में आई थी, इसी वजह से हम टेरिडोफाइट्स को सॉइल बाइंडर भी बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड सॉइल बाइंडर, ठीक है, टेरिडोफाइट्स को ही बोला जाता है। अच्छा, सॉइल बाइंडर के अंदर सिर्फ टेरिडोफाइट्स नहीं है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो आगे के प्लांट्स है वो भी काउंट होते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे पास ये। उसके अलावा इनको सबसे पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स भी बोला जाता है। इनको सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज, एक तो इनके अंदर हमने देखा यहाँ पर रूट थी, और दूसरी बात इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत अच्छी थी। जाइलम और फ्लोएम के बारे में एक बात और आती है कि फ्लोएम के अंदर कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो टेरिडोफाइट्स के फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है भाई, ठीक है। और जाइलम के बारे में बात करता हूं तो जाइलम के अंदर जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है। तो क्वेश्चन आता है कि इनके कौन कौन से कॉम्पोनेंट जो है वो प्रेजेंट है और एब्सेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। टेरिडोफाइट्स के अंदर हम देखते हैं कोई भी किसी भी तरह की सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है एक्सेप्ट इन स्टेम ऑफ आइसोइड्स, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी कैम्बियम लेयर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। तो सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू टेरिडोफाइट्स में आया, इसी वजह से हम इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं, ठीक है, दे आर आल्सो टर्म्ड एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब जी नॉन सीडेड प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं बनते, तो पहले नॉन सीडेड वेस्कुलर प्लांट थे, इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी बोलते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर एक खास बात हो रही है कि अगर टेरिडोफाइट्स को आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रख दो तो जिंदा रहने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती टेरिडोफाइट्स को, लेकिन लाइफ साइकिल कहीं भी कंप्लीट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदा कहीं भी तो लाइफ साइकिल वहां पर कंप्लीट कर, क्योंकि इन्हें वाटर की जरूरत होती है हमसे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन्हीं प्लांट्स को शिशियोफाइट्स ही बोलते हैं। शिशियोफाइट्स मतलब कि बेसिकली जो मॉइस्ट एंड शेडी प्लेस में पाए जाते हैं, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो जैसे ब्रायोफाइट्स हमारे पास एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम है, ये भी एक तरीके से एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम होते हैं, ये भी उसके अंदर काउंट होते हैं, ठीक है।
दीज आर सक्सेसफुल प्लांट बट नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल प्लांट नहीं है। लैंड प्लांट्स हमारे पास ब्रायोफाइटा थे, लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स डेडोफाइटा है। कंप्लीट सक्सेसफुल जो लैंड प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म से है, तो ये भी सक्सेसफुल कंप्लीट नहीं। व्हाट इज चलो तो ये कुछ बातें हमारे पास डेडोफाइट्स। मैं यहाँ पर बात करता हूँ जिम्नोस्पर्म। देखो जब जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करते हैं तो जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म मतलब सीड। यानी जिन प्लांट्स के अंदर नेकेड सीड्स पाए जाते हैं वो मेरे पास क्या कहलाते हैं भैया, वो मेरे पास यहाँ पर जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ठीक है, और नेकेड सीड्स है इसका मतलब देर आर नो फ्लोरल पार्ट, यानी कि नो फ्लावर। यहाँ पर हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अंदर फ्लावर्स नहीं होते, यानी कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। बेसिकली दीज आर द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यही हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जिम्नोस्पर्म डज नॉट हैव फ्रूट। उसके अलावा इनके अंदर नो फ्रूट, फ्रूट्स भी नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि जिम्नोस्पर्म हैव ओपन कार्पेल। इनके अंदर जो कार्पल होता है, जो फीमेल पार्ट होता है वो ओपन होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर फ्रूट्स भी नहीं होते। आप सभी बच्चों को कार्पल के बारे में भी पता होगा यहाँ पर। ठीक है चलो, किस तरीके से होता है स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये स्टेमलेस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर मान लीजिए कि लीफ है। यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट है जी मेगा स्पोरोफिल, ये देखिए, और इसी तरह मेगा स्पोरोफिल, और इसी के ऊपर मैं देखता हूँ कि अब यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होगा क्या, फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। देखिए ये हमारे पास यहाँ पर फीमेल पार्ट होता है, दिस इज द ओव्यूल, ये हमारे पास इधर में ओव्यूल है, और इसी के अंदर मैं देखता हूँ कि अभी ये हमारे पास में एम्ब्रियो है जो बाद में सीड बनाते हैं। जो बाद में हमारे पास ये आपका एम्ब्रियो सैक है, जिसके अंदर एग्स होते हैं, तो बाद में सीड की फॉर्मेशन होती है। तो ओपन स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से ऐसा है। एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट्स जरूर बनते हैं, बिकॉज एंजियोस्पर्म से क्लोज कार्पल होती है, यहाँ पर ये ओपन कार्पल है हमारे। जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड्स एज द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओव्यूल, वहां पर प्रेजेंट नहीं होती, एंड रिमेन एक्सपोज बिफोर बोथ एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद में भी आपकी एक्सपोज होती है। बाकी जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मीडियम साइज ट्री भी आते हैं, टॉल ट्री भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बाकी अगर एग्जाम्पल देखें तो इनके अंदर हर्ब्स भी है, इनके अंदर श्रब्स भी है, इनके अंदर ट्रीज भी है, यानी सारी आ गए भैया फिर तो लगभग। रूट्स इनके अंदर पाई जाती है, जो जिम्नोस्पर्म्स की रूट होती है जनरली टैप रूट होती है। कैसी रूट होती है भैया, टैप रूट। अब ये टैप रूट कैसी होती है, ये देखो, मान लो ये प्राइमरी रूट्स होती है हमारे पास जो किसी के अंदर ही पाई जाती है, और देन इसमें इस तरीके से ये ब्रांचेस और रूट लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह की जो रूट्स होती है टैप रूट्स होती है। बाकी रूट के बारे में ज्यादा डिटेल में हम चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। रूट जनरली टैप रूट होती है, और इट इज मे बी एसोसिएटेड विद माइकोरिजा। माइकोरिजा के साथ ये एसोसिएटेड होती है। स्टेम इनकी किस तरीके से होती है, चलिए अगर स्टेम के बारे में बात करें तो स्टेम ब्रांच होती है, ब्रांचेस निकली होती है, यहाँ पर ब्रांच होती है हमारे पास स्टेम। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर पाइनस, ठीक है। कहीं कहीं पर अनब्रांच भी होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर साइप्रस में पढ़ते हैं। लीव्स किस तरीके की पाई जाती है? इन प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो दो तरीके की होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीव्स दो तरीके की पाई जाती है, एक होती है सिंपल लीव और दूसरी होती है मेरे पास इधर में कंपाउंड लीव। तो वो सिंपल लीव किस तरीके की होती है जनरली, ये देखिए, ये सिंपल लीफ हो गई आपने इस तरीके की, या फिर आपने देखा होगा इसके अंदर इस तरीके से कट होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं इंसीजंस। दीज आर द इंसीजंस। तो इंसीजंस होते हैं, कट होते हैं। कंपाउंड लीव्स में क्या होता है कि ये जो इंसीजंस होते हैं ये इस बीच वाली डंडी को, जिसको हम मिडरिब बोलते हैं, इसको पूरा टच कर देते हैं। तो इस तरह के लीव्स हमारे पास कंपाउंड लीव्स होती है, ये जो बीच में स्ट्रक्चर है दिस इज द मिडरिब। इसके अंदर क्या होता है कि इंसीजंस टच द मिडरिब, ये मिडरिब को टच कर देते हैं। तो इस तरह के लीव्स हमारे पास कंपाउंड लीव्स कहलाती है। ज्यादा डिटेल में इनके बारे में भी चैप्टर नंबर 5 में यानी मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में ही पढ़ेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरीके का होता है, इस टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। दिस इज द रिप्रोडक्शन। तो देखो जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली हमारे पास सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, हेटरोस्पोरस होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोस्पोरस। हेटरोस्पोरस मतलब कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों यहाँ पर ये अलग अलग टाइप के होते हैं। आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कौन सा तो मेल गैमेट है और कौन सा मेरे पास यहाँ पर जो है वो फीमेल गैमेट। फर्स्ट थिंग इज दैट, ठीक है जी। चलो अच्छा, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अगर ये हेटरोस्पोरस है, ठीक है, तो इनके अंदर फॉर्मेशन होती है स्पोर की, माइक्रो स्पोर यानी कि मेल वाला और मेगा स्पोर यानी कि फीमेल स्पोर। दिस इज द फीमेल स्पोर एंड दिस इज द मेल स्पोर। और ये हैप्लॉइड है, बोथ आर हैप्लॉइड। ये भी हैप्लॉइड है और ये भी मेरे पास यहाँ पर हैप्लॉइड है। तो इसी तरीके से इनके अंदर क्या होता है, मेल स्ट्रोबिलाई होती है या मेल कोन होता है जिसके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल्स होती है, उनके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा और उनके अंदर फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर की, जो डेवलप हो जाते हैं रिड्यूस गैमेटोफाइट के अंदर, जिनको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अभी ये सारी टर्म्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको टेरिडोफाइट में बताई। फीमेल कौन होता है? दूसरी तरफ फीमेल स्ट्रोबिलाई होती है जिसके अंदर मेगा स्पोरोफिल्स होते हैं, उसके अंदर कंटेनर मेगा स्पोरेंजिया है जिसके अंदर मेगा स्पोर्स होते हैं, और ये जो मेगा स्पोर्स होते हैं गैमेटोफाइट हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होती है इनक्लोज विद इन द मेगा स्पोरेंजियम के अंदर है। वन मेगा स्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। बाकी टर्म्स के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में जो मैं वर्ड्स यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, एंजियोस्पर्म जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो उस समय आप ज्यादा देर में समझ आएगा। जो स्टूडेंट्स 10th के पुराने पढ़े हुए उन्हें 10th के सारी बातें ऑलरेडी मैंने बता रखी है रिप्रोडक्शन चैप्टर में, ठीक है। पोलन ग्रेन्स एयर करंट के थ्रू, विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं और उसके बाद वो फीमेल पार्ट में वहां पर जाकर के उसको फर्टिलाइज करते हैं। पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, जाइगोट बनता है, देन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है जो कवर्ड नहीं होता। सो दिस इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। बहुत सिंपल बातें हैं।